मेरा क्वेश्चन नंबर 100 है, इसका ये है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए फर्स्ट जो है इसका वो राइट आंसर है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए लोकसभा, राज्यसभा और हमारे राज्य विधानसभाओं के सदस्य उसमें सम्मिलित होते हैं। तो इसमें एक निर्वाचक मंडल होता है जिसका गठन किया जाता है, जिसमें केंद्र के राज्य संसद के हमारे राज्यसभा के और लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्य विधानसभा के सदस्य होते हैं, दिल्ली और पांडुचेरी जो हमारा केंद्र शासित राज्य है, देश है, उनके सदस्य सम्मिलित होते हैं। इसके अलावा निर्वाचन मंडल का गठन केवल राष्ट्रपति के चुनाव के समय किया जाता है। जैसे ही राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसके बाद उसको समाप्त कर दिया जाता है और उसके गठन के लिए इन सब सदस्यों का होना आवश्यक है। इसके अलावा जो हमारा सेकेंड है हायर मेंबर ऑफ दीज इलेक्शन असेंबली एंड थर्ड द वैल्यू ऑफ वोट एमएलए ऑफ मध्य प्रदेश ग्रेटर देन केरला, ये सब रॉन्ग है क्योंकि हमारे वोट ऑफ वैल्यूज जब राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाता है, उसका चुनाव होता है, जब उसके वोटों की गिनती होती है तब किया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव के समय हमारा ए ऑप्शन सही आएगा क्योंकि उसमें इन सब सदस्यों को समाहित करके तब निर्वाचन मंडल का गठन किया जाता है। थैंक यू।